किचन वन सेकंड। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ पनीर सैंडविच का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें गाजर हरा धनिया चटनी भी ऐड किया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है। सो लेट्स मूव टू माय मास्ट किचन टू प्रिपेयर पनीर सैंडविच। सबसे पहले धनिया पत्ता और हरी मिर्च को स्टीम करने के लिए गैस पे एक सॉस पैन रखेंगे, उसमें पानी डाल के और उसके ऊपर ऐसा छालनी रखेंगे और छालनी में करीब आधा कप धनिया पत्ता और एक हरी मिर्च ऐसे तोड़ करके ऐड कर देंगे। आधा इंच स्लाइस का एक अदरक भी डाल देंगे। इसे ढक करके 3 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक गाजर ग्रेट करके रखे हैं। 3 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे और उसके बाद छलनी में 2 स्लाइसेस टमाटर डाल देंगे। आप इसे ढक देंगे और 5 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे टमाटर का खट्टापन और स्वाद ज़्यादा इन्हेंस होता है। यहाँ पर हमने ग्रेटेड गाजर के साथ 1 कप दूध का छेना बना के रखे हैं। 1 कप दूध को उबल करके उसमें 1 बड़ी चम्मच नींबू का रस डाल करके उसे छान लेने से ऐसा छेना बन जाता है। अब इस स्टीम धनिया टमाटर वगैरह ग्राइंडिंग जार में डाल करके हम इसे पीस करके चटनी बना करके तैयार करेंगे। अब हमारा चटनी बन करके तैयार है। ये स्मूथ नहीं, दरदरा पेस्ट बन करके तैयार होंगे। हरा चटनी में थोड़ा सा नींबू का रस, करीब 1 छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में हमें छेना ऐड कर देंगे, उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते। थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब नमक, चीनी और आमचूर पाउडर के साथ छेना को अच्छी तरह इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ग्रेटेड गाजर ऐड कर देंगे, ये देखिए, मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हमें हरा चटनी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहे तो 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं और उसे मिक्स कर सकते हैं। मैं आज बिना टोमेटो सॉस का ही बनाऊंगी। अब गैस पर एक सॉस पैन चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। इधर हम 3 स्लाइसेस ब्रेड लिए हैं। हर एक स्लाइस में हम ये सैंडविच मिक्सचर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हम फैला देंगे। ऐसा यूनिफॉर्मली फैलाने से टेस्ट अच्छा आता है। इसके ऊपर एक स्लाइस रखेंगे और इस स्लाइस के ऊपर भी हम थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर देंगे इस स्लाइस के ऊपर। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड कर दूंगी इस तरह, ये देखिए। ये ऑप्शनल है पर इसके साथ सैंडविच बहुत ही अच्छा बनता है। 1 चम्मच से इस तरह स्प्रेड कर देंगे। अब तीसरी ब्रेड साइज रख देंगे, ये देखिए, जेंटली प्रेस कर देंगे। इधर बटर मेल्ट हो गया है, इसे थोड़ा फैला देंगे। सैंडविच को इसके ऊपर रखेंगे और इसे ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। थोड़ा सा बटर हम ऊपर का स्लाइस में भी लगा देंगे, ये देखिए। करीब 1 मिनट बाद इसे पलट दे, उस तरफ कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गया है ना। दोनों साइड्स हम इस तरह गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। 1 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और ये सैंडविच ऑलमोस्ट बन करके तैयार है। इसे हम प्लेट से निकाल लेंगे। एक चाकू से इसे काट लेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर सैंडविच बन करके तैयार है। इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं और सर्व करें। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस सबको पसंद आएगा।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी, इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय मस्त किचन।